नमस्कार पहला, गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पहले तो आप सभी को, मेरे सारे उत्तराखंडी भाई बहनों को और जो मेरे और भी दोस्त हैं नॉन उत्तराखंडी, सभी को घुघुती त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। घुघुती त्यौहार हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड में माना जाना है, उत्तराखंड पर्व है जिससे हमारे बचपन की यादें जुड़ी हैं। तो इस तरह से हम लोग घुघुत बनाते हैं। इसमें आटे में गुड़ के पानी को गूंद कर उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल के घी डाल के आटा अच्छे से गूंद लेते हैं और इस तरह से शेप में घुघुत बनाते हैं। और ये त्यौहार तो मेरे बचपन की यादों से जुड़ा है। किस तरह से हम लोग बचपन में इस फेस्टिवल को इतना इंजॉय करते थे, इस दिन का वेट करते थे और माला पहन के सुबह सुबह चिल्लाते थे, का ले कौ खा ले, घुघुती माला खा ले। सो आज वही टाइम आ गया और जब भी मैं ये फेस्टिवल आता है मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि शगुन के कुछ ना कुछ तो घुघुत बनाऊँ अच्छे से और माला बनाएँ इसकी और अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। तो फटाफट मैं और मेरे बेटे स्पीड में लगे हैं दोनों बनाने में घुघुत। उसको भी काफ़ी मज़े आ रहे हैं बनाने में, वो भी बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग बर्थडे पार्टी से आए हैं, फटाफट हम लोग ये घुघुत तैयार करें ताकि कल सुबह हम रेडी कर पाएँ। वो भी ट्राई करना चाहता है कि कैसे बनाए हैं, तो थोड़ा सा अभी वो कुछ नया नया सीख रहा है लोई बनाना। तो ये लगे हैं हम लोग स्पीड में और वो भी कोशिश में लगा है अपनी और बहुत मुश्किल से वो खजूरे का शेप कुछ दे पाया है। सो गाइस, एक बहुत फ़न होता है बच्चों के साथ इस तरह के एक्टिविटी करना, अपने फेस्टिवल्स के बारे में बताना और उनको हर चीज़ का अवगत कराना कि हमने अपने बचपन को कैसे जिया है, किस तरह के हमारे फेस्टिवल्स होते हैं। और जितना भी आप कर सके ज़रूर अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करिए। तो ये हमारे घुघुत तैयार हो चुके हैं और अब रात के 12 ही बज चुके हैं, हम सोने की तैयारी में हैं। अगले दिन सुबह उठ गए हैं और अब हमारा हो गया हैप्पी घुघुत। खा ले कौआ खा ले, घुघुती माला खा ले। यहाँ तो कौए आते नहीं हैं इसलिए हमने कबूतर को खिलाना पड़ा। तो आप सभी को एक बार और बधाइयाँ, धन्यवाद।